सिरोही से अगली खबर, जहां बंदूक की नोक पर कार लूट का पूरा मामला। जालौर पुलिस ने कार को बरामद कर लिया है। बागरा पुलिस ने नाकाबंदी कर कार को बरामद कर लिया है, लेकिन लूट के दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए। आरोपियों की पुलिस के द्वारा फिलहाल तलाश जारी है। बलूर थाना क्षेत्र से बंदूक की नोक पर इस कार की लूट हुई थी। और अधिक जानकारी के साथ में A1 संवाददाता लियाकत अली फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। लियाकत, पुलिस ने कार को बरामद कर लिया है, लेकिन जो आरोपी है वो मौके से फरार हो गए हैं। क्या तमाम अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल जयती, आज सवेरे जो एक घटना घटित हुई थी, जिसमें कार सवार पर बंदूक तान कर उसको आंखों में मिर्ची डाल कार लेकर फरार हुए थे जी। वही बलूट पुलिस थानाधिकारी मनीष सोनी चावल चौकी पर बारिशपा राम मौके पर पहुंचे थे। वही पुलिस अधीक्षक कल्याण मीणा ने तुरंत जालौर के SP से फोन पर वार्ता करते हुए जालौर जिले में नाकाबंदी करवाई थी, जिसके चलते बागरा थाने के सातू गांव से कार को बरामद कर लिया गया। लेकिन आरोपी पुलिस गिरफ्त से फरार है और आरोपियों की पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है। जी जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया लियाकत।